हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। मोटोमैनिक में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये बेसिक अभी ऑब्जर्वेशन सेक्शन चेक कर रहे हैं, देखिए बल्ब की लाइट जलती हुई दिख जाएगी। बेसिक हालांकि थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, पर एक्सिलरी फंक्शन अभी ऑलमोस्ट चालू कर दिए हम लोगों ने, और बाकी की छोटे मोटी जो चीज़ें हैं वो हम लोग कर देंगे। अब एक टेस्ट राउंड लेते हैं हम लोग। ये देखिए गाड़ी काफ़ी स्मूथ हो गई है, आपको दिखेगा कि कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, एकदम नॉइसलेस हो जाती है। एवी कन्वर्जन के बाद पिकअप परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी हाई पावर की मोटर लगाई है। हालांकि आप चाहें तो छोटी मोटर भी लगा सकते हैं, इतने बड़े पावर की मोटर की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों में ज़्यादा स्पीड चाहिए नहीं, ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं थोड़ी सी बड़ी मोटर लगती है। और देखिए ये गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी रोड ट्रायल के लिए निकलेंगे हम लोग। बहुत ही बढ़िया स्मूथ चल रही है गाड़ी, अब इसके लाइव रोड ट्रायल के लिए जाएंगे। देखिए अब हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। गाड़ी में स्पीडोमीटर ये सारी चीज़ें हमने बैटरी पे लगा दी, जैसा कि आपको बताया था, और हमारे टीम मेंबर भी आ गए हैं जो कि पूरा डाटा ऑब्जर्व करेंगे, पूरे बेसिक टेस्ट करेंगे गाड़ी के। तो अब चलते हैं एक लॉन्ग रन पे। अभी जो गाड़ी है हम लोगों ने फर्स्ट में डाली हुई है, थोड़ा सा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फर्स्ट में रखा है। सिस्टम आप देखिए हम लोगों ने ओपन करके रखा हुआ है अभी ड्राइव के लिए। ये देखिए पूरा सिस्टम ओपन है ड्राइव के लिए। काफ़ी स्मूथली चेंज हो रहा है, गियर काफ़ी स्मूथली चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए कच्चे रास्तों पे हम लोग गाड़ी को ले जा रहे हैं, और ये अभी सेकंड गियर में, हालांकि थर्ड गियर में भी चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेकंड गियर में गाड़ी को रखा हुआ हम लोगों ने। सस्पेंशन सिस्टम बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं। गेट बंद हो गया है, उस गेट को खोलेंगे हम लोग, और खोलने भी गाड़ी में बैठे बैठे उसको खोल लेंगे। अब एक देखिए छोटा सा आगे ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट पर भी टेस्ट करेंगे हम लोग गाड़ी को गेयर में डाल के। ये देखिए कितने आराम से गाड़ी सेकेंड गियर में ग्रेडियंट पे चलिए, फर्स्ट गियर को डालना ही नहीं पड़ा। अब सीधे गाड़ी को फोर्थ थर्ड में डाला हम लोगों ने, और थर्ड के बाद अब इसको हम लोग सीधे सीधे फोर्थ में डालेंगे। देखिए फोर्थ गियर लग गया बिना क्लच के लगा, हालांकि क्लच सिस्टम लाइव है, तो लेकिन गियर शिफ्टिंग हमारी बिना क्लच के हो जाती है। देखिए ये अभी गाड़ी चल रही है, देखिए गाड़ी कितने आराम से चल रही है, और ये जो अभी स्पीड है हमारी ये करीब अभी 40-45 की स्पीड आ गई है। कितना है करा ये अभी हमारी गाड़ी बड़े आराम से चल रही है, और स्पीड और परफॉर्मेंस में अभी सारी चीज़ें ठीक है। अभी जो स्पीड है तकरीबन 40-45 की होगी, और उस पर गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है, आप देख सकते हैं। काफ़ी स्मूथ ड्राइव है गाड़ी की, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन नहीं है। हालांकि अभी सारे के सारे टेस्ट जो है वो हम लोग करेंगे एक बेसिक ड्राइव के बाद। देखिए
हमारी ड्राइव चल रही है, मैजिक की टेस्टिंग ड्राइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर में कि हमारा डिजिटल स्पीडोमीटर है GPS बेस्ड, उसमें रियल टाइम आपकी स्पीड जो कि अभी 21 km/h की शो हो रही है, और हमारा जो टारगेट है वो 50 से 60 तक का है, क्योंकि हमको पता है बड़ी इजीली हमको मिल जाएगा। इससे आपको सेटअप दिखा दूँ, जो सेटअप है ये पीछे बैटरी लगी हुई है 72 वोल्ट की। तो आप जा रहे हैं हम लोग स्पीड टेस्ट करने के लिए। हमारा स्पीड टेस्टिंग चल रही है अभी, हम लोगों ने गाड़ी को फोर्थ में डाला है और अब स्पीड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। जा सकती है लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से, और क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा सारा फिटमेंट किया नहीं है तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा तेज़ अभी चला नहीं रहे, लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है और क्योंकि अभी थ्रोटल की भी रेंज काफ़ी बची हुई है तो 60-70 तक की स्पीड आराम से आ सकती है। हालाँकि हमारा टारगेट कस्टमर के साथ जो कमिटमेंट था 50 का था, लेकिन हमेशा हम लोग अपने कमिटमेंट के ऊपर ही डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको हम लोगों ने दिखाया है कि इतनी स्पीड आराम से आ रही है। बाकी की टेस्टिंग अभी तो हम लोगों ने पूरा लोड टेस्टिंग किया नहीं है, बाकी की लोड टेस्टिंग अभी काफ़ी सारे टेस्ट और करने हैं लोड टेस्ट करने के लिए, और पावर कनेक्शन बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे वाले वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें आपको टेस्टिंग से रिलेटेड नई नई चीज़ें बताएंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।